हाँ जी, तो सभी को मेरा नमस्कार। तो आप सभी को पता होगा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत जल्द वैकेंसीज की आने वाली है और होपफुली इस महीने में, मतलब अप्रैल के अंदर आपका जो है इसका वैकेंसी आ जाएगा और एग्ज़ाम भी इसका बहुत जल्दी होगा ऐसा अपन सोच सकते हैं। ये मान के चलिए कि इस ईयर के एंड तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग मंथ में, है ना, जनवरी फरवरी में इसका एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी अनाउंस होगी, जब फॉर्म्स निकलेंगे, तब हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं सोचता हूँ, ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन के लिए। ओके, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम यही आपको सजेस्ट करेंगे, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप कोचिंग करके कीजिएगा, अगर आपको सेल्फ करना है तो सेल्फ करके कीजिएगा। ठीक है, अपना आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का न्यू बैच 3 अप्रैल को, फिजिक्स का ध्यान रखना, फिजिक्स का 3 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड, दोनों मोड के अंदर। ऑफलाइन अगर आप आ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, राजस्थान में जयपुर में इसकी कोचिंग है, तो आप ऑफलाइन मोड में ले सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ऑप्शंस हैं, आप ऑनलाइन में ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अपन इसके की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो की फीचर्स में सबसे पहले तो डेली आपका 2 से 3 घंटे का क्लास रहेगा इसमें, ठीक है ना, और क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका रहेगा 3:30 PM। ठीक है, 3:30 PM टू 5:30, 6 PM, है ना, इस तरह से तुम्हारे पास में क्लासेस का टाइम रहेगा। ओके, अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो भी क्लासेस लाइव होंगी वो रिकॉर्ड होके एप्लीकेशन पे आ जाएंगी सेम डे नाइट में। ठीक है, और ये सारी क्लासेस जो है आपके पास में एग्जाम तक अवेलेबल रहेंगी, एग्जाम तक आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, कितनी बार भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होगा सॉल्यूशंस के साथ में, क्लास में इसके सॉल्यूशंस आपको बताए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑल स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सेट एग्जाम, जितने भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको क्लास में करवाए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेपरेट इंटरव्यू क्लासेस, अच्छा इसमें आपको इंटरव्यू क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का तो आपको इंटरव्यू क्लासेस भी इसके अंदर मिलेंगी, फिजिक्स में क्या क्या पूछते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे इसमें। ओके, लाइव क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है, 3 अप्रैल से स्टार्ट हो ही रहा है। सिलेबस जो है आपका वो 30 सितंबर तक कंप्लीट करवा देंगे भाई, है ना, 30 सितंबर तक कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं और लेक्चर जो है लैपटॉप पे भी एक्सेस करना चाहते हैं तो हो जाएगा, आप लैपटॉप पे लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसका फीस रखा गया है 23,500। हम आपको बता दें इसका जो सिलेबस है वो CSIR नेट के सिलेबस से भी ज़्यादा है, उससे भी बड़ा सिलेबस है इसका। ठीक है, इसमें पूरा BSc वाला पार्ट, पूरा MSc वाला पार्ट, पूरा नेट वाला पार्ट, नेट में BSc MSc ही आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि नेट के सिलेबस में नहीं है बट वो इसके अंदर कंप्लीटली करवाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सोचते हैं कि हम नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं अगर आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा हो, थ्योरेटिकल पार्ट उसका पढ़ा हो, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। क्योंकि रिटर्न में अगर आप अच्छे नंबर ले आओगे ना, फिजिक्स में रिटर्न में अगर आप अच्छे नंबर ले आओगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में तुम्हें पता है इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, 24 मार्क्स का होता है। 24 मार्क्स में से ऐसा तो है नहीं तुम्हारे पास में कि किसी का 24 आ गया, किसी का 5 नंबर आ गया, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम तुम्हें 12 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम सिलेक्शन कहाँ से ले सकते हैं, फिजिक्स का जो रिटर्न एग्जाम है उसमें अच्छे नंबर ला के, या फिर आपका जो GK वाला पार्ट है वो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। ठीक है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, तो इसको थोड़ा सीरियसली लेके तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है भाई, तो और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैसी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये दिख नहीं रहा हो, चलिए इस नंबर से प्रॉपर वे में आपकी क्लासेस रहेंगी, सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे इसके अंदर। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या फिर कॉल करके, जो भी क्वेरीज आपके वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।